अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल YM4 व्लॉग। इस वक्त हम नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कौमी अजायब घर पाकिस्तान में हैं और ये कराची में है। कराची में ये डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये म्यूज़ियम है। ये इस वक्त आपको आउटसाइड व्यू इसका दिखा रहे हैं और इसमें आर्ट म्यूज़ियम, इस्लामिक आर्ट, कुरान म्यूज़ियम, हिस्टोरिक साइट्स हैं और इसको नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, साथ में ये ग्रीनरी बनी हुई है, पार्किंग का भी है और ये बिल्कुल शुरू के मनाजर हैं और आपको अंदर लेके जाएंगे और इस वक्त आपको सिर्फ आउटसाइड व्यू दिखा रहे हैं। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो शमशीर हैदरी ऑडिटोरियम में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग है यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर, और आगे जाके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की म्यूज़ियम बनाई गई है जिसमें हिस्ट्री के बारे में चीज़ें रखी गई है, जितने भी हमारे पुरानी हिस्ट्री है। और ये बिल्डिंग से बाहर ये एक रखी गई है, एक कार्ट है और इसका हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता था क्या चीज़ है, लेकिन ये हमें तोपखाना लग रहा है जो उस ज़माने में किसी तोप को फेंकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान के एंट्रेंस गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गमले लगे हुए और सीढ़ियाँ लगी हुई है और ये जालीदार किस्म की सामने बिल्डिंग है और इसके सामने ही बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर। ये प्रेयर हॉल के बिल्कुल नज़दीक है और ये 1951 में ये बिल्डिंग बनाई गई और इसको पहले विक्टोरिया म्यूज़ियम कहा जाता था, ये विक्टोरिया म्यूज़ियम के नाम से ये मशहूर था, लेकिन 1951 में इसका नाम चेंज करके ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान रखा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूज़ियम के बाहर भी कुछ मुजस्मे रखे गए हैं और कुछ स्टैचूज जो हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों से दरियाफ्त हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के दरख्त हैं जो ग्रीनरी भी है और ये स्टैचू, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैचू मुजस्मे यहाँ पर नस्ब किए गए हैं जो हमारी हिस्ट्री बताते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले इस सरजमीन पर किस किस्म के लोग रहते हैं, उनके कल्चर क्या था, उनके ट्रेडिशंस क्या थे, रसूम रिवाज क्या थे, कैसे वो जीते थे, कैसे वो खाते पीते थे, काम करते थे, उनके वो कैसे क्या पहनते थे, क्या वो सोचते थे, किस किस्म के आर्किटेक्चर थे, कैसे वो लिखते थे और मुख्तलिफ उनके उस दौर के लिहाज से चीज़ें रखी गई जो हमें दरियाफ्त हुई है, स्पेशली मोहनजोदड़ो और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान के एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप एंटर होते हैं और ये खूबसूरत किस्म के पुराने ज़माने की एक बिल्डिंग है, लेकिन बहुत ही